हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो बकरीद आने वाली है, तो बकरीद से पहले कुछ यूनिक रेसिपी मैं आपसे शेयर कर दूँ। तो जी, ये बिहार की फेमस बिहारी बूटी है, इसको सीख कबाब भी बोलते हैं, पर हम लोग शहर में रहते हैं तो इसको बनाएंगे शहर के तरीके से। तो यहाँ पर मैंने कुछ खड़े गर्म मसाले ले लिए, खड़े गर्म मसाले के साथ साथ मैंने खसखस लिया है। इन सभी को ड्राई रोस्ट करना है, तो ये सब जो थोड़ा ज़्यादा देर में ड्राई रोस्ट होंगे उसको मैंने पहले यहाँ ड्राई रोस्ट किया है। थोड़ा हल्का क्रंची होने तक लो फ्लेम में फ्राई करना है। मैं यहाँ स्पीड आपको दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। जितना शॉर्ट हो सके मैं इतना आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ, कम से कम वक्त में अच्छी रेसिपी। इन सभी को ड्राई रोस्ट करने के बाद मैंने इसको पीस लिया है। ये सब पेस्ट बनाने के लिए मसाले हैं, जिसमें जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिल्ली, कोरिएंडर लीव्स, और ये ऑनियन ब्रिस्ता, और ये एकदम खट्टी दही आधा कप, इन सभी का पेस्ट बना लेना है। और ये पाउडर जो मैंने रेडी किया है इसको भी एक साथ रख लेना है। अब ये सभी जाएंगे हमारे इस मटन में। तो ये मटन के जो है लंबे लंबे पीस चिपटे चिपटे एकदम पतले से कर लेने हैं, क्योंकि इसको बनाना है हमें तवा पे, तो जितने पतले रहेंगे उतने आसानी से गल जाएंगे। और इन सभी को मिक्स करके नमक के साथ ही मिक्स करना है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक ऐड करके हाफ लेमन जूस ऐड कर देना है। इन सभी को बहुत अच्छे से मिक्स करके कम से कम एक घंटा, उससे ज़्यादा भी हो सके डेढ़ घंटा तो हम लोग रख देंगे इसको, जिससे के बाद जब इसको बनाएंगे तो हमारा गोश्त बहुत अच्छे से टेंडर हो जाएगा, एकदम आसानी से गल जाएगा और एकदम सॉफ्ट रहेगा। तो मैंने इस तरह का सीख लिया है, कुछ जो स्टील वाले, मतलब जो लोहे का होते हैं वो, और कुछ लकड़ी वाले जो होते हैं, कांठी कबाब जिसको बोला जाता है, वो उसमें बनता है, वो कांठी ली हुए। इन सभी को अच्छे से अरेंज कर देना है ऐसे फैलाते हुए, पूरे सुकड़ा के नहीं, फैला के बनाना है, क्योंकि हम तवा पे बना रहे हैं। जब आग में इसको बनाते, इस बिहारी बूटी को सीख के साथ टाइटली अरेंज करते, तो जो आग के साथ पकता है धीमी आंच पे तो बहुत ही वो भी और भी टेंडर होता है, वो तो मत पूछिए, उसका जवाब ही कुछ और है। पर ये हम लोग तो शहर इलाके में तो इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल बहुत कम होती है आग पे, तो इसको हम लोग तवा पे बनाएंगे। तो यहाँ मैंने सारे सीख को बना लिया है और यहाँ पे तवा चढ़ा दी हूँ। इस तरह का तवा एकदम फ्लैट चाहिए, तो कुछ बड़ा होगा तो अच्छा है, नहीं तो नॉर्मल जो आपके पास उसी का इस्तेमाल करें, नॉन स्टिक रहेगा तो वो भी अच्छा है। और इस तरह से सारे सीख को फैला कर रखना है, और जो हमारा एक्स्ट्रा मसाला है ऊपर से सीख में लगा देंगे और इसको थोड़ा ढक कर पकाएंगे लो फ्लेम करके, तो हमारा जो है सीख बहुत अच्छे से गलेगा भी और अच्छा कलर भी देगा। तो यहाँ फिर से मैं इसको साइड चेंज करके ढक कर पका रही हूँ। इसको फिर एक दो बार इसी तरह पलट पलट कर देख लेना है तो कुछ कुछ मिनटों में कि ये हमारा जले भी नहीं और अच्छे से पक जाए। तो देखिए यहाँ अच्छे से पक गए हैं, कलर भी देखिए बहुत ही मस्त कलर आया है। अब इन सभी को निकाल लेंगे और ये जो मसाला एक्स्ट्रा तवा पे रह गया है इसको अच्छे से खुरच के निकाल देंगे, फिर से ऑयल ऐड करेंगे और बाकी के जो सीखे उसको वन बाई वन करके इसी तरह से कुक कर लेना है। और ये इतनी यम्मी और इतनी आसान रेसिपी है कि जिसको खाना बनाना नहीं भी आता है वो भी बड़े खुश होकर यम्मी से रेसिपी बनाएंगे। तो आई होप कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरी वीडियो हर दिन सुबह 8 बजे आने वाली है, तो आप लोग देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।